बेंगलुरु की हसनात कॉलेज में टीचर्स डे की शानदार तकरीब। साबिक सदरे जमहूरिया आनजानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी 5 सितंबर को टीचर्स डे की तकरीब। वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद, केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और एमएलसी अब्दुल जब्बार, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद अहमद मेहमानाने खुसूसी के तौर पर इस जश्न में शामिल थे। हसनात एजुकेशन सोसाइटी के सदर इसहाक सेठ, सेक्रेटरी सईद मुनव्वर, साबिक सदर यूनुस सेठ, अलहाज बाबा व दीगर यौम असातिज़ा की तकरीब में शामिल रहे। मोहतरमा इफत फातिमा ने हसनात तालीमी इदारे की तारीख और मौजूदा तरक्की पर रोशनी डाली। इस यादगार तकरीब के चीफ गेस्ट ने टीचर्स के मकाम व मर्तबे, वतन की तामीर व तरक्की में टीचर्स के रोल पर रोशनी डाली। इस मौके पर हसनात कॉलेज की मैनेजमेंट ने चंद मसाइल का जिक्र करते हुए यतीम खाना अहले इस्लाम कमेटी के लिए चंद गुजारिशात पेश किए। 30 साल लीज एग्रीमेंट फराहम करने, 30 साल लीज एग्रीमेंट फराहम करने, यतीम खाने के ग्राउंड को चंद घंटों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने और चंद दीगर दरख्वास्तों का जिक्र किया। एमएलसी नसीर अहमद ने कहा कि वो बहुत जल्द वजीर अकलियती बहबूद और वक्फ बीजेड जमीर अहमद खान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बाशा से गुफ्तगू करते हुए यतीम खाना अहले इस्लाम की कमेटी और हसनात कॉलेज की इंतजामिया के दरमियान मीटिंग मुनाकत करेंगे। नसीर अहमद ने कहा कि चूंकि दोनों इदारों का मकसद नौजवान नस्ल को तालीम से आरास्ता करना है, लिहाजा दोनों इदारे एक दूसरे का ताउन करते हुए एजुकेशन के फरोग के लिए मजीद इकदाम करें। एमएलसी अब्दुल जब्बार ने हसनात कॉलेज की इंतजामिया को मशवरा दिया कि वो टीचर्स डे के साथ फाउंडर्स डे भी मनाएं, ताकि इस तालीमी इदारे के बानियों की खिदमात को भी नौजवान नस्ल याद करती रहे। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले टीचर्स और स्टूडेंट्स को इनामात व एजाजात से नवाजा गया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। सर्वपल्ली राधाकृष्ण साहब, ये एक खासकर टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप को मजबूत करने और उनके बीच में एक अच्छा रसूख पैदा करने के लिए एक मौका है, और हर चीज़ खासकर स्टूडेंट्स को असातिज़ा के बारे में उनको बड़ी इज्जत से देखना और उनके साथ एक रिलेशनशिप कायम करना, इसके लिए एक फाउंडेशन, तो ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि इससे स्टूडेंट के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और टीचर्स को भी, मतलब स्टूडेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप पैदा होती है। तो आज हसनात कॉलेज में बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया गया और हसनात कॉलेज बेंगलुरु शहर के अंदर खासकर लड़कियों के लिए लोगों ये पहचान बना के है कि यहाँ पर लड़कियों बड़ी महफूज होते हैं और उनको यहाँ बड़ी अच्छी तालीम दी जाती है। तो मैं ये मैनेजमेंट वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनके जो एफर्ट्स हैं उसमें इंशाल्लाह आगे चलकर भी ये एफर्ट्स कंटिन्यू करें और इसकी कॉलेज की ग्रोथ और करने की कोशिश करें। कॉलेज ने अपने कुछ मसाइल भी मजलिस से, तो इंशाल्लाह उसकी तो उसके सिलसिले में हम मैंने बताया है कि हमारे वो औकाफ के मिनिस्टर जनाब जमीर अहमद साहब से बात करके एक टाइम फिक्स करके कॉलेज वालों को और आर्फनेज वालों को दोनों को मिलाकर उनके मसले और मसाइल को देखकर इंशाल्लाह एक डिसीजन लें।
मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स। मैं बहुत पहले भी आ गई हूँ, आज हमारे कौम के वास्ते ज़रूरत है इस चीज़ ना। ये औरतों औरत बच्चों की तालीम का जमना खास कर को अब इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाना है सब तरफ भी। हमारे लड़के कैसे कॉलेज में जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं? ये हिजाब के ये सब मामले शुरू एक बात से खास कर को हमें वो लोग उसकी तरफ ही हमारा दिमाग ज़्यादा है। हो सकता ज़्यादातर औरत बच्चों के कॉलेज सब तरफ भी ओपन करना कर को अब हमारे मिनिस्टर साहब के पास बात कर को एक 15-90 कॉलेज जो हैसियतमंद इंस्टीट्यूशन से उनको 15 कॉलेज वक्फ बोर्ड की तरफ से बना को देना कर बोल को बातचीत चल रही है। एक डिस्ट्रिक्ट 15 डिस्ट्रिक्ट अब स्टार्ट कर रही है, 15 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट स्टार्ट करके नेक्स्ट और 15 डिस्ट्रिक्ट कर को यदि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक औरत बच्चा ये कॉलेज रही तो हमारे बच्चों का एडमिशन को प्रॉब्लम नहीं रहता, पढ़ने तकलीफ नहीं रहती, कॉलेज भी कर सकते। असातिज़ा के बारे में खासकर आज जो सारे हिंदुस्तान में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तकरीबन 10 साल थे, उसके पहले एम्बेसडर भी थे, ही वॉज अ फिलासफर एंड ही वॉज अ स्कॉलर ऑल्सो। तो मैं ये भी कह रहा था कि जब उनका बर्थडे करने उनके स्टूडेंट गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा मत करो, टीचर्स डे बनाओ। तो जब से टीचर्स डे का रिवाज शुरू हुआ तो टीचर्स का ना असातिज़ा का मकाम बहुत बड़ा मकाम है क्या, उसका हम यही नहीं कर सकते कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते कितना बड़ा मकाम है। एक बात फाउंडर्स डे के मुताल्लिक भी आई थी तो जब्बार साहब ने बहुत बड़ी बात की कि फाउंडर्स डे मनाओ, क्योंकि जो ईजाद करते हैं कोई भी हो उसका कम से कम उसकी याद में अगर फाउंडर डे मनाया है तो उनकी रूह भी खुश होती है और दूसरों को भी आगे आने के लिए हमना भी याद करते हैं आगे चल के बोल के, एक बहुत बड़ा एकदम है। नसीर अहमद साहब की बहुत उम्दा तकरीर थी खासकर तलबा के लिए, मैंने मेरे एक देखानी अंदाज में मैं छोटा मोटा मैसेज पहुंचाया बस। हमारे खास करके हसनात कॉलेज के टीचर्स जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत किए हैं और यहाँ पर एजुकेशन इतना अच्छा दिए हैं कि बच्चियों को रैंक हासिल हुआ है, कम से कम पिछले साल 11, इस साल 18, ऐसा कंटिन्यू कई सालों से रैंक आ रहे हैं। टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जो आज 1962 का जो है राधा कृष्णन का बर्थडे था उनके हिसाब से आज टीचर्स डे मना रहे हैं। माशाल्लाह हम आज बहुत अच्छे तरीके से ग्रैंड तरीके से मनाए। यहाँ आए मेहमानों से चंदे का आपने दरख्वास्त की है खासतौर पर यतीम खाने के ताल्लुक से, तो क्या दरख्वास्तें हैं? क्या है कि अभी पिछले एक साल पहले लीज रिन्यू हुआ है हमारा, पहले बहुत कम रेंट में था, फिर बढ़ाते बढ़ाते और ज़्यादा रेंट हुआ है, तो वो जो है अभी उसी टाइम में बात हुई थी कि 33 साल के लिए रिन्यू करेंगे बोलकर वक्फ बोर्ड को भेजकर, मगर एक साल से अभी कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए हम मिनिस्टर साहब से बताए कि भाई हमारा वो 33 साल अगर रिन्यू हो जाता है तो हमें UGC से बहुत कुछ फंड मिलेगा तो कॉलेज की बहबूदी के लिए हम काम कर सकते हैं। और हमारी ज़मीन भी है माशाल्लाह हिन्नौर में 2 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर भी एक ब्लॉक बना सकते हैं इंशाल्लाह, उसे जो है वहाँ भी कॉलेज शुरू कर सकते हैं। और ये जो भाड़ा देना पड़ रहा है बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे को, और हमारी कॉलेज कोई ज़्यादा फीस वगैरह नहीं रखी बच्चों के लिए, बहुत कम फीस पे चला रहे हैं और ऐसे बच्चियों को लेकर आ रहे हैं उनकी जो फीस देने की कोई यही नहीं है, कोई ऑटो ड्राइवर की बेटी, कोई बहुत गरीब से गरीब तबके से लेके आ रहे हैं। सालाना कितना किराया दिया जाए? 4 लाख रुपये दे रहे हैं हम, सालाना नहीं महीने का, महाना 48 लाख रुपये दे रहे हैं। क्या डिमांड है सर आपकी, क्या चाहते हैं? नहीं डिमांड बोले तो क्या है, वो 33 ईयर्स का लीज होना और वहाँ पे हमारे को थोड़ा बसेस खड़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट किए हैं उनको, और बच्चों को लिए जो खेलने का मैदान वीक में 3 टाइम दिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा, इसलिए उनको रिक्वेस्ट किए हैं, मगर देंगे बोल रहे हैं मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम सोचे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी आएंगे, वो भी आ नहीं सके, कुछ अलील हैं शायद,
तीन चार दिन से बहुत टूर में थे वो, तो इस वजह से आ नहीं सके वो, तो उनको भी हम रखेंगे सामने बात बोलकर। फिर भी हमारे नसीर अहमद साहब जो है बोले हैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर कि हम इंशाल्लाह आगे ये करके उनको भी बुलाएंगे, यतीम खाने वालों को भी, और हमको बुला के बिठा के एक तस्वीर करेंगे बोलकर। प्लेग्राउंड वगैरह प्रेजेंट नहीं है क्या? है मगर इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बच्चियाँ जो कम से कम 700 से 800 बच्चियाँ हैं यहाँ पर, अलग अलग कोर्सेस भी रहते हैं ना। मैन राधाकृष्ण साहब का बर्थडे जो है और टीचर्स डे के नाम से ही मनाया जाता है हर साल, ये मौका एक ऐसा अनमोल समझकर हम इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करने, एक तरफा नहीं रहा, दोनों तरफ टीचर्स की और असातिज़ा की हौसला अफजाई भी हो जाती है, साथ में हमारी चंद परेशानियां मैनेजमेंट की जो है वो भी मिनिस्टर्स के सामने रख सकते हैं बोलकर इन सबको मधु किए थे। इसमें जमीर अहमद साहब, नसीर अहमद साहब, अब्दुल जब्बार साहब, खालिद अहमद साहब, अनवर हमारे जो बोर्ड चेयरमैन हैं, इन सबको बुलाए थे, वो दोनों कुछ वजूहत की वजह से, सेहत की वजूहत की वजह से वो दो आ नहीं पाए, जमीर अहमद साहब और अनवर साहब। तो माशाल्लाह उन्हीं के हाथों से सारे असातिज़ाओं को फेलिसिटेट किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कुछ जो परेशानियाँ थी वो भी उनके सामने रखा गया हम, और प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं हम नसीर अहमद साहब को, जब्बर साहब को, सब इंशाल्लाह वो एक मीटिंग बुलाएंगे हमारी और ऑर्फनेज के मेंबरान की, एक उसके बाद क्या है इंशाल्लाह एक फैसला लेंगे बोलकर। हमारे जो हैं यूजीसी ग्रांट्स अटक गए हैं, वो खाली अगर 33 साल का या 30 साल का अगर हमें लीज मिल जाए, ये वादा था पिछली कमेटी का कि साथ में बना कर देते हैं, बोलता नई अग्रीमेंट कराए थे, 4 लाख भाड़ा भी दे रहे हैं माहाना, इतना नहीं था, 70,000 कुछ था भाड़ा, उसके बाद 4 लाख हुआ, 4 लाख से भाड़ा दे रहे हैं, मगर बहुत मुश्किल से चलाना पड़ता है, बच्चे जो भी आते हैं बहुत पिछले तबके से आते हैं, तो फिर भी उन लोगों के तालीम के मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत खुश हैं हम लोग, अच्छा तालीम दे रहे हैं, पूरा डेडिकेटेड स्टाफ है, हर चीज़ सही है, मगर थोड़ी नहीं थोड़ी कमी क्या होती है, कोऑपरेशन की होती है, हमारे सरपरस्त हैं, अब हम टेनेंट ही हो गए, एक ज़माना साथ थे, अब टेनेंट ही हो गए हैं आर्फनेज के, तो टेनेंट भी टेनेंट की शक्ल में देख रहे हैं, अगर हमारे कुछ छोटे छोटे ज़रूरियात पूरे हो गए तो साथ मिल के उन लोगों की भी सहूलतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि 50 साल का कदीम इदारा है, तो आज तक कोई खास जमीन या खास तामीर पर तवज्जो नहीं दी गई, क्यों, क्या वजह है? नहीं, हमारी खास जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, तामीर बस फंड्स की वजह से नहीं हुई है, और इसी को बढ़ावा देना पड़ता है, बड़े बड़े रेंट देना पड़ता है, यहाँ के खर्चो अखराजात बराबर हो रहे हैं, और माहाना जो भी है हमारे बच्चों से हम कुछ ज्यादा नहीं ले रहे हैं, नहीं के बराबर की फीस ले रहे हैं बच्चों से, असातिज़ाओं का भी तनख्वाह होती है, 100% एडेड नहीं है, तो जो भी एडेड थे पहले जब शुरुआत में, जैसा जैसा वो रिटायर हुए उनको रिप्लेसमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है, जितने सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था वो मिलकर अगर वालिदैन फीस बराबर दे दिए तो हम कहीं भी जाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सब बात रखी है इंशाल्लाह, ये भी बात रखी है हमने इंशाल्लाह, उन्होंने माइनॉरिटी के कुछ फैसिलिटीज क्या क्या है एजुकेशन के लिए वो भी हमें लिंक्स दिए हैं नसीर अहमद साहब, इंशाल्लाह उसमें भी जो है जद्दोजहद करेंगे हम साथ मिलकर, राइट फ्रॉम पीयूसी टू डिग्री, मास्टर डिग्री भी है, एमकॉम है अल्हम्दुलिल्लाह, बीसीए, बीबीए, एमबीकॉम सब है अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है वो इदारा, आगे बहुत है मंसूबे, मगर सहूलत अगर मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, वहाँ एमबीए की भी बनाने का सोच रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, कॉलेज चल रही है, बॉयज कॉलेज चल रही है, फाइनेंशियली तो ज़रा तकलीफ होती है, पिछले 4-5 साल से खाली सेटल होने में लगी, कोविड के बाद हर इदारा पूरा बिल्कुल खाली हो गया था, 2 साल खाली बैठ कर तनख्वाह दिए हैं, किसी को भी तनख्वाह एक दिन की भी रुकी नहीं थी कोविड के दौरान, कोविड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। It was established in 1971 by Alhaj Adam Ibrahim Seth Sahib, who along with H.M. Tavish Ismail, who was a own poet, and he was a later MLC member, started this institution
just 12 girls in 1971. Adam Sech, who was the resident of the orphanage, could have opted for a 99-year lease as like any other educational institution. But his commitment was firmly with the welfare of the orphanage. He chose to utilize part of the land, constructed the building, the first block, on rental basis, and established a pre-university and later a degree college. So the institution mission and vision was mainly to educate girls, because what they believed that when you educate a boy, you educate a single individual, but when you educate a girl, you educate a generation. Because once the mother gets educated, she transforms the whole family. That we all know about this. Over the years, Hasnat College has produced numerous graduates, including doctors, engineers, lawyers, teachers, who have made notable contributions to society. Under the leadership of President Adam Razak Sheikh, who is a son of the founder, the college saw considerable progress, including the construction of this new building block, plus the hostel in Hizo Town, and taking up a land of 2 acres in Hennur, which is the important asset for the institution. After his demise, his son Hamid Sheikh continued to advance institutional growth. So another thing here is, in 2017, when our ex-president, Mr. Yunus Sheikh Sahib, he took the presidency along with Saeed Munawar Sir, the Honorable Secretary, in 2017, the college faced several challenges, including the lack of transportation that was the biggest problem for our students. Because we are catering to the students from the Muslim populated areas where there are no good colleges at all. Sir, I have seen those areas. There is no proper infrastructure facility for the students, no good teachers. So what we decided that we will focus on those areas where the Muslims are thickly populated, bring the students from there, give them a good atmosphere here, and make them a complete individual by the time they finish their degree. So I tell time that time that Minister Arjan and Yunus Sheikh Sahib and Secretary Sir, we started the first facility in those areas with a minimum fees. Alhamdulillah, we run about 6 buses from those areas now. And all the parents are very happy because we are providing the bus facility for them, and our teachers are doing a fantastic job by mounting the students and polishing them and bringing them to a really great level here. I really thank the teachers for the work what they are doing. आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से खैर मुकदम करता हूँ और योम असातिज़ा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि उस्ताद की मिसाल इस चिराग से है, चिराग के मामिन है जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी पहुँचाता है। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता लेकिन बादशाह घर जरूर होता है। उस्ताद की मिसाल इस फूल की सी है जो माशरे को खुशबूदार बनाता है। उस्ताद के बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। इस्लाम इस दुनिया में और बहुत सारे पेशे मौजूद हैं और इन पेशों को इख्तियार करने वाले लोग भी हैं, लेकिन अगर इनमें कोई कमी या गड़बड़ी रह जाती है तो इसका नुकसान महदूद होता है और ज्यादा देर पा नहीं होता। लेकिन उस्ताद एक ऐसी मोजिस हस्ती का नाम है जिसमें कुछ कमी या गड़बड़ी रह जाती है तो इसका नुकसान नस्लों पर होता है। इसीलिए दुनिया की महजिब और तालीम याफ्ता कौमें ममालिक शुरू से आज तक असातिज़ा को बड़ा मुकाम देती हैं। उस्ताद के लिए इससे बड़ी बात या इससे बड़ा मुकाम क्या हो सकता है कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं इस दुनिया में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ ताकि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करूँ। मैं उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, कौमों का मुस्तकबिल संवारना इतना आसान थोड़ी है। मौजूद सामईन, हर साल 5 सितंबर को हिंदुस्तान में टीचर्स डे मनाया जाता है इसलिए कि इस दिन आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की यौम पैदाइश है। 1962 में जब लोगों ने इनकी यौम पैदाइश मनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने
चूंकि अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पढ़ने और पढ़ाने में गुजारा था, उन्होंने कहा कि आज का दिन पूरे भारत के इसातिज़ा के दिन पर मनाया जाए और सारे इसातिज़ा का मान हो, सम्मान हो, इसीलिए आज के दिन इनको हम टीचर डे के तौर पर मनाते हैं। मोहतरम हाजरीन, आज के इस मौके पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बड़ी बड़ी है। मुझे खुशी है कि हमारे हसनात कॉलेज के इसातिज़ा बड़ी मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारी कॉलेज दिन ब दिन तरक्की के मंजिलों को तय कर रहा है और हमारी कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली तालिबात हर साल बेंगलोर यूनिवर्सिटी में रैंक हासिल कर रही हैं और ये सिलसिला पिछले कई सालों से मुसलसल जारी है। चुनाचे 215 में 6, 216 में 4, 217 में 2 और 218 में 4, 219 में 5, 2020 में 2020 में 2, 2021 में 18 और 2022 में 11 रैंक हासिल किए हैं। हसनात कॉलेज के बागियों ने इस कॉलेज को कायम करते वक्त ये इरादा किया था कि कौम के पसमानदा तबकात के बच्चों को, जो कि कम नंबर की वजह से आला तालीम से पीछे रह जाती हैं, उन्हें दाखिला देकर उन्हें आला तालीम हासिल करने का मौका फराहम करेंगे। यही वजह है कि हमारे असातिज़ा हमारे बच्चों पर मेहनत करके उन्हें रैंक होल्डर बनाते हैं। आज हमारे हसनात से तालीम याफ्ता तालिबान मुल्क और बैरूनी मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में आला ओहदों पर फैज होकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। Which would suit our dear principal Iffat ma'am, who has always been a backbone of our college, has taken this college to many heights, and has always portrayed the image of a highly disciplined personality while being so kind and so humble in nature. Our principal Jabeen ma'am has always influenced and motivated us to achieve the impossible. Ma'am, I sure hope your teachings, what we acquired or what we possess or what we learn from you, will help us to climb the ladder of success in the near approaching tomorrow. That is in the future. And I must acknowledge that we have completely transformed ourselves drastically after we came over here. And ma'am, it is not possible without your guidance and unwavering faith on us. Great minds are indeed nurtured by great teachers. And behind every achiever, there is a dedicated faculty member. I believe in that because they are the ones who are responsible in unleashing the power of knowledge, which is said to be a lifelong, truly valuable treasure. East or West, Hasnat is the best. By this, I would like to conclude my speech. Thank you so much. This is Gayatri signing off. And have a sublime Thursday and happy Teachers' Day. Thank you. Bye-bye.